किया जाए? अर्स्टवाइल डोडा, जिसमें तीन जिले आते हैं, रामबन डोडा और किश्तवाड़, यहाँ के लोगों ने मुझे लगता है कि आज पहली बार इस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम देख रहे होंगे, जिस कार्यक्रम में केवल लोग सिर्फ एक नेता के लिए नहीं आए हैं, लोग अपनी सुविधाओं को मुझे लगता है कि अपने हृदय से एक धन्यवाद प्रकट करने के लिए एक नेता के लिए आए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार इन तीनों ज़िलों में जिस रोड की खस्ता हालत थी, जिस नेशनल हाईवे की खस्ता हालत थी, बहुत एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते थे, बड़े पैथेटिक कंडीशन में ये रोड था, पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से श्रीमान नितिन गडकरी जी ने हजारों करोड़ रुपए की लागत से इस रोड की हालत सुधारने का काम शुरू किया है। इसमें तीन सुरंग हैं और काफ़ी बड़े बड़े ब्रिजेस हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जिस जोश खरोश से यहाँ पर बैठ के अपने मकबूल नेता का इस्तकबाल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। की बात को रोकना चाहूँगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा देसा कपरन रोड की बड़े देरना डिमांड है, क्या लगता है आज यहाँ से घोषणा की जाएगी उस रास्ते की भी? मुझे लगता है, देखिए अभी जो रोड्स हमारे पास थे, इन रोड्स की भी हालत ठीक नहीं है। जो नेशनल हाईवे हमारे पास था, ये नेशनल हाईवे यहाँ से खन्नाबल जाता है, इसमें टनल भी आता है, मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपया की लागत से ये बन रहा है। जो देसा कपरन की डिमांड बड़ी देर से है, मुझे चूंकि हम ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं, हम यहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूर यहाँ पे माननीय नितिन गडकरी जी से जब हमारी मुलाकात अलग से होगी, हम देसा कपरन रोड की डिमांड ज़रूर उठाए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन होगी, जिस तरह से हमारे RED प्रोजेक्ट्स के काम हो रहे हैं, और लोगों के बड़े गिले शिकवे थे, जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं, जिन लोगों के घर गए हैं, उनका ये कहना था कि हमें एडजस्ट नहीं किया जा रहा, हम हकदार लोग हैं, क्या लगता है आपको ये प्रोजेक्ट्स जो आए हैं लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए लोगों को तो फ़ायदा इस वक्त मिल भी रहा है, कंपनसेशन मैं उसको फ़ायदा नहीं मानता हूँ, लेकिन हज़ारों नौजवानों को यहाँ पर इस वक्त रोज़गार मिल रहा है, ड्राइवर है, मशीन ऑपरेटर्स हैं, बाकी जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं या अनपढ़ भी हैं, उनको भी रोजगार इस वक्त मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, फादर चेक फादर चेक।